Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Ether Classes. In today's session, we will discuss about numerical type question. And the question is, the volume of 0.3 molar ferrous ammonium sulfate solution required for the completion of redox titration with 20 ml of 0.1 molar potassium dichromate solution is how much ml? So, ये जो question है, इसमें हमें क्या given है? Potassium dichromate solution given है, और उसको हमने ट्रीट किया है फेरस अमोनियम सल्फेट सॉल्यूशन के साथ में. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक बैलेंस केमिकल रिएक्शन लिखेंगे, देन न्यूमेरिकल को आगे प्रोसीड करेंगे किस तरह से न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन हो सकता है. सो पोटेशियम डाइक्रोमेट है, दैट इज Cr2O7 2 नेगेटिव, दैट इज कन्वर्टेड इंटू Cr3 पॉजिटिव. यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में 2 क्रोमियम है, सो यहाँ पे भी हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, 7 ऑक्सीजन है. सो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम वाटर मॉलिक्यूल यूज करेंगे. एक वाटर मॉलिक्यूल में 1 ऑक्सीजन एटम होता है, सो 7 वाटर मॉलिक्यूल में कितने हो गए, 7 ऑक्सीजन एटम हो गए. नाउ जो राइट हैंड साइड है, यहाँ पे क्या हो गया, 14 हाइड्रोजन एक्स्ट्रा हो गए, सो उसको हम बैलेंस करेंगे एच प्लस से, सो 14 एच प्लस. नाउ चार्ज बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में कितना चार्ज हो, 14 प्लस और 2 नेगेटिव मींस 12 प्लस, और जो राइट हैंड साइड है वहां पे चार्ज हुआ 2 × 3 मतलब 6 प्लस. सो यहाँ पे हम 6 इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई करेंगे. सो ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन में n फैक्टर मतलब जो इलेक्ट्रॉन का चेंज है वो कितना है, 6. नाउ फेरस अमोनियम सल्फेट, तो वहां से हम क्या लिखेंगे कि फेरस अमोनियम सल्फेट मतलब आयरन प्लस 2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, उससे कन्वर्ट होगा प्लस 3 ऑक्सीडेशन स्टेट में. चार्ज बैलेंस करने के लिए इलेक्ट्रॉन यूज करेंगे. ये जो रिएक्शन है, इसका जो n फैक्टर है दैट इज 1. सो जो लोअर रिएक्शन है, इस रिएक्शन को हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो दैट की जो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या हो जाए, कैंसिल आउट हो जाए. सो जब यहां से इसको सॉल्व करेंगे, सो दिस कम्स आउट टू बी Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस 14H प्लस प्लस 6Fe2 प्लस गिव्स राइज टू 2Cr3 पॉजिटिव प्लस 7H2 प्लस 6Fe3 प्लस. नाउ दिस इज द बैलेंस केमिकल रिएक्शन. नाउ नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ Fe2 प्लस, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ Fe2 प्लस दैट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ Cr2O7 2 नेगेटिव, मतलब Fe2 प्लस के जो ग्राम इक्विवेलेंट्स होंगे उनका नंबर है, दैट विल बी द इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ डाइक्रोमेट. सो यहां से नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स क्या होता है, n फैक्टर इंटू m इंटू v, m इज मोलैरिटी, v इज वॉल्यूम, दिस विल बी इक्वल टू n फैक्टर इंटू m इंटू v. यहाँ पे जो n फैक्टर मोलैरिटी और वॉल्यूम है वो डाइक्रोमेट सॉल्यूशन की है, और यहाँ पे ये Fe2 प्लस सॉल्यूशन की है. सो जो Fe2 प्लस सॉल्यूशन था उसके लिए हमने n फैक्टर कैलकुलेट किया था 1, और डाइक्रोमेट के लिए n फैक्टर कैलकुलेट किया था 6. सो यहाँ से अगर वैल्यू पुट करेंगे 1 इंटू, यहां से जो फेरस अमोनियम सल्फेट की मोलैरिटी हमें ऑलरेडी गिवन है 0.3, सो यहां से लिखेंगे हम 0.3 इंटू वॉल्यूम, दैट विल बी इक्वल टू एन फैक्टर ऑफ डाइक्रोमेट दैट इज 6 इंटू मोलैरिटी इज 0.1 इंटू 20 ml. सो यहां से जो वॉल्यूम है दैट विल बी इक्वल टू 6 इंटू 0.1 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 0.3. सो यहां से जब कैलकुलेट करेंगे, सो दिस कम्स आउट टू बी, दिस इज डिवाइडेड बाय दिस, और यहां से ये कितना आ गया, 40 ml. सो जो आंसर होगा, आंसर विल बी द वॉल्यूम ऑफ फेरस अमोनियम सल्फेट रिक्वायर्ड विल बी 40 ml. सो दिस विल बी द आंसर. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द न्यूमेरिकल स्पिन क्वांटम नंबर ऑफ न्यूक्लियस इज 3/2 व्हेन प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड
the number of possible spin energy state it can occupy is. So यहां से हम क्या देखते हैं, स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर ऑब्टेन द अलाउड स्पिन स्टेट्स ऑफ द न्यूक्लियस which is represented by two into l plus one. So जो nucleus spin quantum number है यहां से इसके लिए allowed possible energy state कितने होंगे, 2l plus 1. So 2 into l की value कितनी है, 3 by 2 plus 1. So यहां से इसको calculate करेंगे, this comes out to be 3 plus 1, that is 4. So the when placed in an external magnetic field, the number of possible spin energy state it can occupy is 4. So answer will be 4.